हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी किया है और यूट्यूब के हेल्प लिया है मैंने। आई थिंक मेरी स्टडी में यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है जब से लॉकडाउन लगा है। और आई थिंक बहुत सारे लोग स्टडी में यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि मैंने अपना सेल्फ स्टडी से कैसे कवर किया था। तो सबसे पहले कि मैंने जब स्टार्ट किया था अपना SSC का प्रिपरेशन, तो मैंने सबसे पहले अपना इंग्लिश से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने इंग्लिश के लिए तरुण गरुड़ सर का फॉलो किया था चैनल। उन्होंने मतलब उनका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अच्छे से सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। और वो जो क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ाने के बाद से एक प्रैक्टिस सेट लाते हैं जो कि 100+ क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो वो पूरा अच्छे से उनको PDF भी प्रोवाइड करते हैं, वो फिर उसका सोल्यूशन भी वीडियो में बताते हैं। तो उनका बहुत मुझे बहुत ज़्यादा उनका हेल्प किया था चैनल। तो उनसे मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। और मैंने रीजनिंग के लिए सारे टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है, किसी भी टीचर का सारे वीडियो सबका वीडियो नहीं देखा है। मैंने किरण पब्लिकेशन का बुक लिया था, वो मैंने वो सब मैं सॉल्व करती थी। और जो मुझे ऐसा जिसमें जिस टॉपिक में मुझे ज़्यादा टाइम ऐसा कंज्यूमिंग होता था, जिस टॉपिक मुझे ऐसा डिफ़िकल्ट लगता था उसको करने में, तो वो मैं टॉपिक सर्च करती थी और उनका वीडियो देखती थी। तो दो मैं पर्सनली दो सर का वीडियो देखती थी। एक रैंकर गुरुकुल पर पढ़ाते हैं सर, मुझे उनका नाम नहीं याद है। और एक SSC अड्डा 247 चैनल है, उस पर सौरभ सर करके पढ़ाते हैं। वो उनका मैंने दोनों सर का फॉलो किया है। तो रीजनिंग के लिए बस इतना ही। और GS के लिए, तो GS के लिए मैंने लूसेंट फॉलो किया है। तो लूसेंट देखने की पतली बुक है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट है कि उसको पढ़ना मतलब ऐसा जो बिगनर है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए उसको लूसेंट को समझने में ही 1-2 महीना लग जाएगा। प्रश्न मुझे तो 1-2 महीना लग गया था कि कैसे पढ़ूँ इसको, कहाँ से पढ़ूँ मैं, कैसे मतलब मुझे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगता था वो। लेकिन जब मैंने और मैंने सर्च भी किया था कि लूसेंट बुक को कैसे पढ़ें, तो भी मुझे समझ में नहीं आता था, ये करो वो करो। लेकिन मैं सिंपल एक तरीका बताऊंगी कि जो उसमें जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक को सर्च करने का और उसका वीडियो देखने का। क्योंकि वीडियो देखने से ना हमारा उसमें सर जो बताते हैं, उसमें प्रीवियस पेपर का भी बताते हैं, ये बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंस है, ये पिछली बार आया हुआ था, तो आप उसको हाईलाइट कर देते हो। तो फिर हमें ना उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। और अरुण अवस्थी सर से पढ़ा था, तो उन्होंने जो पढ़ाया था मैंने उसका नोट्स बना लिया था। और नोट्स बनाने के बाद से मैंने जब मैं 2020 और 2020-21 SSC स्टेनोग्राफर का पेपर जब मैंने सॉल्व किया, तो उसमें से मैं दोनों पेपर में से 2-3 क्वेश्चन तो मेरे नोट्स में से आए हुए थे जो मैंने बनाया था। और आई थिंक 2-3 क्वेश्चन कम नहीं होता है मेरे ओपिनियन से, क्योंकि मेरा GS बहुत ज़्यादा उसमें बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो मेरे ओपिनियन से 2-3 मार्क्स मेरे जो मैंने नोट्स बनाया था उसमें से आया था, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी जो मैंने सॉल्व किया था। तो और दूसरी बात कि हाँ, उसके बाद से मैंने जब नोट्स बना लिया, तो उस नोट्स में मैंने बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट में अपना लिख लिया, जिससे मुझे रिवीजन में हेल्प मिली। मैं इसको फिर से उतनी मोटी बुक को ना उठाऊँ, फिर मुझे ऐसा लगे कि मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप उसको, या फिर नोट्स नहीं बना चाहते तो लूसेंट बुक में हाईलाइट कर दीजिए, या फिर आप अलग से 1-2 नोट्स बना लीजिए। ओके,